Hello everyone, this is MK and welcome to MK the brand channel. इस वीडियो में हम जो है फोटोशॉप से रिलेटेड जो बेसिक एडिटिंग होती है जिसमें हम पिक्चर एडिटिंग ज़्यादातर होती है, नॉट फोटो एडिटिंग, जस्ट पिक्चर एडिटिंग, पिक्चर्स के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है या जस्ट हाउ टू मॉडिफाई पिक्चर्स, हाउ टू एडिट पिक्चर्स इन फोटोशॉप, लाइक हाउ टू एड सम इफेक्ट्स जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स में। क्योंकि इस वीडियो में हम जो है वो करने जा रहे हैं फोटोशॉप के बेसिक टूल्स जिसके ज़रिए हम पिक्चर एडिट कर सकते हैं बेसिक तौर पर, जिसमें हम जो है वो एक कंप्लीट पिक्चर को चेंज करके अपनी वेबसाइट में या अपने पोर्टल में जहां हम यूज़ करना चाहें वो हम यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में रिलेटेड टू SEO या रिलेटेड टू वेबसाइट मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, गाइड कर दूंगा अबाउट कि हम इमेजेस को एडिट या मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं और फिर हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए। और इसके अलावा जो लोग फोटोशॉप के बेसिक टूल्स के बारे में जानना चाह रहे हैं कि फ़ोटोशॉप कैसे यूज़ करते हैं या फोटोशॉप के बेसिक टूल्स क्या हैं जिसके ज़रिए हम थोड़ी सी पिक्चर एडिटिंग कर सकें, नॉट फोटो एडिटिंग स्पेशली, पिक्चर एडिटिंग, मतलब लाइक पिक्चर का रिसाइज, हाउ टू रिसाइज पिक्चर्स, हाउ टू एडिट पिक्चर्स इन फोटोशॉप, लाइक समथिंग फोटोशॉप के जो बेसिक टूल्स हैं या फोटोशॉप के जो बेसिक आइडियाज़ हैं जिसके ज़रिए हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अपनी इमेजेस में कर सकते हैं। इसमें जो है वो दो तीन पार्ट्स में ये वीडियो कम्प्लीट होगी, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सो लेट्स गो। अब जो फोटोशॉप का जो इंस्टॉलेशन का तरीका है पूरा, जो हाउ टू इंस्टॉल फोटोशॉप, उसकी एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए, सो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको फोटोशॉप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो दो तीन पार्ट्स होंगे इसके अंदर रिलेटेड टू वेबसाइट, रिलेटेड टू SEO भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि हम अपनी इमेजेस को, क्योंकि गूगल की कुछ अपडेट्स हैं, कुछ एल्गोरिथम्स हैं जिसके भी आधार पर हम गूगल की जो इमेजेस हैं वो हम अपनी वेबसाइट में इजीली यूज़ नहीं कर सकते, दैट्स वाई हमें उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होती है, थोड़ी सी चेंजेस करनी होती है, कुछ इफेक्ट्स ऐड कर दिए, कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी, थोड़ी सी पिक्चर की रिसाइजिंग कर दी। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक इमेज को किस तरह से जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं या किस तरह से उसको थोड़ा सा चेंज करके हम अपनी वेबसाइट में, हमने किसी पोर्टल पे यूज़ कर सकते हैं। अब जो इसमें मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि बेसिकली फोटोशॉप है क्या। फोटोशॉप एक बेसिकली डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम एक न्यू डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने पिक्चर्स को एडिट भी कर सकते हैं और जो है वो उसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट जो है वो है। मैं आपको व्हाट इज़ फोटोशॉप ये तो नहीं बता सकता, बट फिर भी मतलब आपको मैं बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक आइडिया क्लियर कर दूंगा कि फ़ोटोशॉप हम किन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। नॉट ऑल टूल्स, बट जो हम पिक्चर एडिटिंग करेंगे उसके अंदर मैं आपको क्लियर आइडिया बता दूंगा कि बेसिकली आपने किस तरह से अपने पिक्चर को इस कदर एडिट कर देना है कि आपकी पिक्चर जो है वो एक, जो पिक्चर आपने गूगल से ली है या किसी भी प्लेटफॉर्म से ली है जहाँ आपको कॉपीराइट का इशू आ सकता है, तो हम उस पिक्चर को इस तरह एडिट करेंगे कि उसके ऊपर कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। नाउ दिस इज़ फोटोशॉप। बेसिकली ये फोटोशॉप का 2015 वर्जन है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, बिगिनर्स के लिए भी बेस्ट है एंड एक्सपर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। बेसिकली इसका 2018 वर्जन भी आ गया है अगर आप कहेंगे, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा विद क्रैक, बट ये है कि इस वक्त 2015 मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड इस पर भी बहुत अच्छे तरीके से हम एडिटिंग कर सकते हैं। नाउ इसमें जो इस वक्त मैं आपको बताने लगा हूँ वो है जस्ट दो से तीन टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। फोटोशॉप में जो हमारा मेन टूल होता है वो है पिक टूल। पिक टूल के जरिए आप अपनी पिक्चर को मूव कर सकते हैं। बेसिकली पिक्चर पिक टूल का मतलब ये होता है, बहुत सारे टूल्स हैं, क्रॉप टूल्स है, सिलेक्शन टूल है, रेजर टूल है, और इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं। टूल्स की मैं अलग वीडियो बना दूंगा आपके लिए ताकि जो है वो आपको टूल्स की नो हाउ हो जाए थोड़ी सी। एंड लेट्स गो, हम पिक्चर एडिट करते हैं, जैसे हम गूगल से कोई भी पिक्चर उठाते हैं, जैसे हम वेबसाइट ओपन करते हैं images.google.com। अब ये गूगल इमेजेस हैं, ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, हर साइज़ में पिक्चर्स जो है वो मिल जाती हैं। दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा जो सेकंड और थर्ड पार्ट होगा उसके अंदर मैं आपको कुछ और ऑनलाइन टूल्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप फ्री कॉपीराइटेड इमेजेस भी उठा सकते हैं, बट उसके अंदर ये होता है कि समटाइम्स आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। गूगल के पास बहुत सारी इमेजेस हैं जो आपके अपने क्राइटेरिया पर पूरी उतरती हैं। अब जो है हम यहाँ पर images.google.com में जैसे आ गए, उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो टाइप किया बेबी,
जैसे हमारी कोई भी क्राइटेरिया है, हम एक बात कर लेते हैं कि हमने बेबी से रिलेटेड कुछ इमेजेस हमें चाहिए, लाइक बेबी इंटर किया हमने, अब हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, हमारे पास डिफरेंट रूल्स होते हैं, डिफरेंट हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें किस टाइप की इमेजेस जो है वो चाहिए और किस टाइप की इमेजेस हम अपने वेबसाइट्स में, पोर्टल्स में या फिर अपनी लाइक जो है वो किसी डिज़ाइन में या किसी सर्विस वेबसाइट में हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस टाइप की इमेजेस चाह रहे हैं, जो आपकी कैटेगरी है वो आप इंटर कर दें। हेल्थ से रिलेटेड हम कुछ इंटर कर देते हैं तो हमारे पास मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ इमेजेस यहाँ पर गूगल पे अवेलेबल होती हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन गूगल इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। सो हम यहाँ पर कोई भी इमेज सर्च कर लेते हैं, जैसे लाइक हम बेबी पे आ जाते हैं, कोई क्राइटेरिया आपका कोई कैटेगरी है। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज और भी हैं, बेबी न्यूबॉर्न है, बेबी वॉलपेपर है, बेबी स्लीपिंग है, बेबी ट्विंस है, फिर पांडा है, बेबी ब्यूटीफुल है और डिफरेंट मतलब हमारे पास जो है वो क्राइटेरिया है। अब जो इसके अंदर मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि हमने पिक्चर एडिटिंग करनी है अपनी वेबसाइट के लिए। सो हमारे पास इसके अंदर एक ऑप्शन होता है टूल्स, टूल्स में आए, यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन होता है साइज, ये देख रहे हैं ये साइज़ का ऑप्शन होता है। अब जब साइज में हम जाते हैं तो हमारे पास 6 साइजेज होते हैं, एनी साइज, लार्ज, मीडियम, आइकन, लार्जर दैन और एग्जैक्टली। अब एग्जैक्टली जो बेसिकली यूज़ होता है हमारे पास, सबसे पहले हम एग्जैक्टली की बात कर लेते हैं, उसके बाद जो टूल्स हैं वो हमारे पास नॉर्मल ही यूज़ होते हैं। जो एग्जैक्टली है बेसिकली एग्जैक्टली में ये होता है, आपके पास ये देख रहे हैं आप कि हमारे पास एग्जैक्ट साइज़ वो आपसे पूछ रहा है। बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स कंपनीज की ऐसी होती हैं या हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी अपनी वेबसाइट्स के लिए कि हमारे पास एग्जैक्ट साइज़ हमें चाहिए हो, पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो या एक्यूरेट स्क्वायर शेप में हमारे पास जो है हमें साइज़ चाहिए। तो वहाँ पर आप अपने जो साइज़ है, जो आपको आइडिया हो गया है कि हमने ये साइज़ में पिक्चर हमें चाहिए, तो आप अपनी विड्थ और हाइट ये जो है वो पिक्सल में यहाँ पर डिफाइन कर दें, तो आपको वही पिक्चर को दिखाएगा जो कि आपने जो है वो इसके अंदर जो साइज़ दिया होगा उसी में आपको वो पिक्चर दिखाएगा। लेट्स से हम बात कर लेते हैं फेसबुक इमेज की। जैसे फेसबुक में हमारे पास जो है वो स्क्वायर इमेजेस यूज़ होती हैं, दो टाइप की इमेजेस, दो साइजेस उसमें यूज़ होते हैं। डीपीस के लिए जो हमारे पास साइज़ यूज़ होता है, ऑफिशियल जो साइज़ है फेसबुक का 960x960, इसको हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने किया गो पे क्लिक। अब हमारे पास आप देखेंगे जितनी भी इमेजेस यहाँ पर आएंगी वो 960x960 पे आएंगी, मतलब आपने अपना एक्यूरेट साइज़ बताया होगा। और ये ज़्यादातर इमेजेस वो होती हैं जो हम फेसबुक पे यूज़ होती हैं या फेसबुक पे यूज़ ऑलरेडी हो चुकी हुई होती हैं। सो हमारे पास एग्जैक्टली का मतलब ये है कि आपने अपनी एग्जैक्ट साइज़ वाली जो इमेज है वो आपने जो है वो इसके अंदर एग्जैक्ट साइज़ अपना दे देना है और आपने अपनी एग्जैक्ट साइज़ दे देना। बट वॉट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, अब आपने अपनी वेबसाइट, पोर्टल या सर्विस या कहीं पर भी आपने पिक्चर एडिटिंग करनी है या आपने डिज़ाइन बनाना है कि नहीं, सो वॉट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, द बेस्ट प्रैक्टिस इज़ लार्जर देन में आएंगे आप, और यहाँ पर आपने ये सेलेक्ट करना है 1024x768 और 2 MP 1600x1200। अब जैसे हम 1024x768 सेलेक्ट करते हैं, आफ्टर दिस आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जितनी भी इमेजेस आएंगी वो 1024x168 से अबव साइज़ वाली आएंगी, जो कि नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस होती है। और इसके अलावा जो है 2 MP बेसिकली वर्डप्रेस वगैरह में और डिफरेंट वेबसाइट्स में और आप डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए आप जो है वो लार्ज साइज़ इमेज लेंगे ना तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि आप उसे एडिट कर सकते हैं। अगर आप एक स्मॉलर इमेज साइज़ लेंगे ना, उसके पिक्सल सही होंगे, उसके पिक्सल ब्रेक हो रहे होंगे, वो पिक्सलेट हो जाएगी वो पिक्चर। दैट्स वाई हम कोशिश ये करते हैं कि हम एक लार्ज इमेज जो है वो लें और उसे अपने हिसाब से एडिट कर लें, उसे रिसाइज कर लें, उसे मॉडिफाई कर लें, उसमें कोई इफेक्ट्स वगैरह लगा दें। अब जैसे ये एक इमेज है 4368x2912, अब ये जो इमेज है हमारे पास ये एक अच्छे लार्ज साइज़ में हमारे पास एक इमेज है। अब हमारे पास ये जैसे इमेज है, हम देख लेते हैं कोई इमेज हम उठा लेते हैं जैसे हम इजीली एडिट कर सकें, लाइक ये इमेज है। अब इसका साइज़ जो आ रहा है आपके पास 3840x2160, ये एक अच्छा साइज़ है और आप ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज बिल्कुल क्लियर है आपके पास। अब इसे हम सेव कर लेते हैं, ये हमारे पास सेव हो गई। अब हमारे पास जो है वो हमने फोटोशॉप ओपन किया। फोटोशॉप में मतलब जो है वो पिक्चर ओपन करने के दो तरीके हैं, एक बाय डिफ़ॉल्ट जो सबको पता है विंडोज़ के हर सॉफ्टवेयर में होता है ओपन करके, और सेकंड ये है ड्रैग एंड ड्रॉप। आपने ऊपर जाके ड्रॉप कर दिया इसको पिक्चर को, ये आपके सामने इस तरह से ओपन हो गई। वंस अगेन ये फोटोशॉप CC 2015 वर्जन है। अच्छा, यहाँ मैं ना आपको एक और चीज़ बता दूँ। बेसिकली हम जो पिक्चर्स हमने ये डाउनलोड की थी, ये बेबी की जो पिक्चर हमने दी थी, अब ये देख रहे हैं आपके पास यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, ये वेबसाइट लेफ्ट साइड पे आपके पास एक वेबसाइट आ रही है बेलाकोसा gifts.net/shop/baby।
बेसिकली ये जो पिक्चर है मतलब व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग फोटोशॉप, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इमेज एडिटिंग, व्हाई वी गो फॉर एडिटिंग. बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे एक वेबसाइट पर एक इमेज पहले से ऐड हुई भी है तो दोबारा सेम इमेज जो है वो हम वेबसाइट पर नहीं डाल सकते, कॉपीराइट इशू आ सकता है. दैट्स वाई वी हैव टू एडिट, वी हैव टू एड सम मॉडिफिकेशन इन दिस पिक्चर, इन द पिक्चर. सो हमने करना ये होता है कि हमने ये पिक्चर जो है वो थोड़ी सी एडिट करनी होती है, बिकॉज आपने देखा वो वेबसाइट जहाँ से हमने ये इमेज उठाई थी वहाँ पर ये इमेज मौजूद है, तो ज़ाहिर है सेम साइज सेम स्टाइल के साथ हम लगाएंगे तो कॉपीराइट का इशू आ सकता है. ये स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जिनको जिन्होंने डिज़ाइनिंग बनानी है उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, बट जिन्होंने वेबसाइट बनाकर अब ये इमेज उस पर यूज़ करनी है, चाहे वो उनकी सर्विस वेबसाइट है, चाहे वो उनकी आर्टिकल रिलेटेड वेबसाइट है या कंटेंट रिलेटेड वेबसाइट है या किसी टाइप की उनकी वेबसाइट है, तो उस पर अगर आपने ये वेबसाइट सेम एज इट इज़ ये पिक्चर पुट कर दी तो उसके अंदर आपके पास जो है वो ये कॉपीराइट का इशू आ सकता है. दैट्स वाई हम जो है वो थोड़ी सी एडिटिंग परफॉर्म करते हैं. अब किस तरह से हमने मतलब जो है इसके अंदर एडिटिंग परफॉर्म करनी है, मैं आपको पहले फोटोशॉप के थोड़े से कुछ टूल्स के बारे में गाइड करूं. लाइक जूम टूल है जैसे ये हमारे पास पे, जैसे आप इस पे देखेंगे मैग्नीफायर बना हुआ है, आपने इस पे क्लिक किया. अब इसके दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, एक प्लस है एक माइनस है. अब जब प्लस होगा तो वो जूम इन के लिए होगा, माइनस होगा वो जूम आउट के लिए होगा. आपने करना ये है कि आपने जूम इन करना है जब, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जूम इन ही होगा. जब आपने जूम आउट करना है तो ऑल्ट प्रेस करना है. ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा, जूम आउट का आ जाएगा आइकन, माइनस हो जाएगा. अब ये देखें ये पिक्चर आ गई हमारे पास. अब ये पिक्चर के साथ आप ये देख रहे हैं कि जब ये पिक्चर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप की थी फोटोशॉप में, तो आपके पास राइट साइड पे एक जो है वो बैकग्राउंड के नाम से एक पोर्शन बना हुआ है जिसे हम लेयर्स का पोर्शन कहते हैं. बेसिकली फोटोशॉप में आप जब भी कोई काम करते हैं, ये जितना भी आप काम करते हैं वो लेयर्स की फॉर्म में हमारे पास जो है वो आता है. जिन्होंने फोटोशॉप यूज़ किया हुआ है उन्हें बेहतर पता है कि उन्हें पता है वैसे कि ये लेयर्स बेसिकली क्या होती हैं. लेयर्स बेसिकली फोटोशॉप के पोर्शंस हैं जिनमें आप डिज़ाइन बनाते हैं, जो जो आप इसके अंदर यूज़ करेंगे, यानी जितनी पिक्चर्स आप यूज़ करते हैं, आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, आप कोई इसके अंदर कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं, कोई रेज़र वगैरह यूज़ करते हैं, कोई ब्रश वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो हर चीज़ आपने न्यू लेयर में करनी है. जो पहली लेयर होती है ना वो होती है बैकग्राउंड लेयर, जो हमेशा लॉक होती है, जिसको आप एडिटिंग जिस पर आप एडिटिंग परफॉर्म नहीं कर सकते. आप मूव टूल पे आते हैं, मूव टूल पे आके आपने जो है वो इस इमेज को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश की तो इसने आपको मना कर दिया कि ये लेयर जो है वो लॉक है. बैकग्राउंड की जो लेयर होती है ना वो हमेशा लॉक होती है. ये देखिए मैं किसी भी साइड इसको मूव नहीं कर सकता, तो कंट्रोल जे प्रेस करें, वही लेयर जिस पर आप होंगे वो बेसिकली आपकी जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगी. अब आते हैं इमेज साइज़ पर. हम इमेज साइज़ पर आ गए. अब जो लोग, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो लोग हमारे पास डिज़ाइन वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है कि वो रिसाइज़ ना करें इस इमेज को, वो हाई रेज इमेज यूज़ करें. अगर उन्होंने कहीं पर यूज़ करनी है, किसी अपने पोर्टल पर यूज़ करनी है या किसी डिज़ाइन के अंदर यूज़ करनी है, और जो लोग वेबसाइट पर, हम ये चाह रहे हैं कि मतलब थोड़ी सी इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लें और फिर इसके बाद किसी वेबसाइट पर, किसी पोर्टल पर, किसी सर्विस वेबसाइट पर या किसी कॉन्टेंट वेबसाइट पर इसे यूज़ करें, तो वो थोड़ी सी चेंजेस परफॉर्म कर लें इसके अंदर. लाइक हमारे पास यहाँ पर देखें साइज़ आ रहा है. अब ये जो साइज़ है हमारे पास ये बहुत ज़्यादा है, हम इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं. लाइक 19.7 हो गया देखें ऊपर. अब इसे हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, लाइक देख लेते हैं हम 2000 कर लेते हैं. अब देखें 6.44, यानी तकरीबन हम थोड़ा सा करीब तक पहुंच गए. ठीक है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर 5 MB मतलब होना चाहिए ताकि जो है वो. अब 6.44 MB हो गया और यहाँ से हमने इसे कर दिया ओके. ठीक है, अब ये रिसाइज होगी. ठीक है, अब ये रिसाइज़ हो गए. अब आप इसे 100% पे करें. अब देखें अभी भी ये पिक्चर बिल्कुल HD क्वालिटी पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसमें कोई पिक्सलेट नहीं हो रही कोई चीज़, और ये एक बहुत अच्छी पिक्चर है. ठीक है, परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट नॉर्मल जैसे हमने वो की थी, डाउनलोड की थी तकरीबन वैसे ही है. बस उसका साइज़ थोड़ा सा कम हो गया, बिकॉज हमने थोड़ी सी एडिटिंग परफॉर्म करनी होती है ताकि हम कॉपीराइट से बच सकें, या फिर आपने कोई डिज़ाइन वगैरह एडिट करनी होती है, पिक्चर एडिट करनी होती है. तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, जिसमें हमने थोड़ी सी एडिटिंग परफॉर्म करनी है. अब नेक्स्ट टूल की तरफ हम आते हैं, क्रॉप टूल. ये आपके पास देखें, आपके पास ये क्रॉप टूल आ रहा है. क्रॉप टूल का क्या होता है, पहले आपको मैं क्रॉप टूल के बारे में ज़रा बताऊं. क्रॉप टूल के बारे में आपको नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि बेसिकली क्रॉप, जैसे हम मोबाइल में क्रॉपिंग करते हैं अपने पिक्चर्स को, तो वो पिक्चर्स के रिसाइजिंग के लिए क्रॉप टूल जो है वो हमारे पास जो है ना काम आता है. अब इसके अंदर जो है ना फोटोशॉप में एडिटिंग के लिए मैं आपको बहुत सारे टूल्स बताऊँगा, तो ये एक क्रॉप टूल भी है जिसमें से आपको
और भी टूल्स बता दूंगा, जिसमें एक जो है वो क्रॉप टूल है। जो लोग जल्दी जल्दी अपनी इमेज को रिसाइज करना चाह रहे हैं बिकॉज उनके पास बहुत सारी इमेजेस रिसाइज करने के लिए हैं, तो उनके लिए क्रॉप टूल बहुत बेस्ट है। उन्होंने क्रॉप टूल यूज़ करना है और आगे परफॉर्म करना है। देखेंगे जैसे इमेज को थोड़ा सा रिसाइज कर दिया आपने, ठीक है, जैसे आपने वो किया और इंटर कर दिया। अब फिर से आपने मतलब जो है वो थोड़ी सी और मतलब जो है ना वो परफॉर्म करनी है, तो आपने इसकी पूरी सिलेक्शन ले लेनी है। ये सिलेक्शन ले ली, आपके पास जो है वो कर्व्स बने हुए आ जाएंगे रिसाइजिंग के। आपने फिर इसे लेफ्ट साइड से थोड़ा सा और रिसाइज कर लिया। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसे कितना रिसाइज करना चाहते हैं। अगर आप इस इमेज को, जैसे ये इस इमेज इस वक्त जो है वो लैंडस्केप फॉर्मेट में है, अगर आप इसे स्क्वायर फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो इस क्रॉप टूल के जरिए भी ले सकते हैं, जैसे मैं आगे आपको बताऊँगा। अब देखें 5.30 MB पे पहुंच गए। अब ये एक परफेक्ट साइज बन गया है। अगर इसे हम और ऑप्टिमाइज करना चाहें तो और कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट इमेज बन गया है। अगर आप इसे सेव करेंगे अभी तो ये आपको ना कॉपीराइट इशू का प्रॉब्लम देगा, ना ही आपको ये जो है वो हाई मतलब जो है ऑप्टिमाइजेशन का इशू देगा। एक नॉर्मल पिक्चर ये जो है वो बन गई है जो हमने खुद एडिट की। अब यहाँ पर आते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है डुप्लीकेट लेयर। डुप्लीकेट लेयर एक और, ये बेसिकली जो डुप्लीकेट लेयर है ना, ये बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने जिस लेयर पे काम कर रहे हैं, यानी जो इमेज है आपकी उसका एक लेयर है जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसे आपने डुप्लीकेट करना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। और डुप्लीकेट इस वक्त मैंने क्यों किया है, इस वक्त मैंने आपको एक और पिक्चर एडिटिंग का टूल बताने के लिए वो किया है। थोड़ी सी हम अब परफॉर्म करने वाले हैं पिक्चर में इफ़ेक्ट्स ऐड करने वाले हैं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी इफ़ेक्ट्स के ज़रिए। अभी तो हमने रिसाइजिंग की है ना। नाउ हमारे पास, हमने डुप्लीकेट कर ली लेयर, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है ऊपर नॉर्मल का। ये हर फोटोशॉप में होता और यहीं पर होता, ठीक है, लेयर्स के लेयर्स की विंडो में होता है। नॉर्मल पे आए, अब जो नॉर्मल पे हमने क्लिक किया, अब देखें मैं इसको चेंज कर रहा हूँ ऊपर, देखें डिजोल्व डार्कन मल्टीप्लाई, ये देख रहे हैं मल्टीप्लाई मैंने किया, कलर बर्न मैंने किया। अब ये देख रहे हैं थोड़ी सी इमेज का जो इफेक्ट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, कलर्स चेंज हो रहे हैं, थोड़े से ब्राइटनेस किसी में हो रही है किसी में। अब जो इसमें बहुत बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, जो मैं पर्सनली रिकमेंड भी करता हूँ और जो कि हर पिक्चर के साथ परफेक्ट बैठते हैं, वो दो ऑप्शन हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। अब ये देखें हमारे पास ये एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन में ये होता है बेसिकली कि आप किसी भी इमेज का जो है वो इसका क्या कहते हैं, एक हम नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव जो हमारी पिक्चर का नेगेटिव होता है साइड, वो हम बना सकते हैं। अगर आपकी एक पिक्चर ब्लैक एंड वाइट है, आप इसके ज़रिए ब्लैक एंड वाइट पिक्चर भी बना सकते हैं। इसके ज़रिए आपने देखें ये पिक्चर का नेगेटिव जो है वो व्यू नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, तो ये हम किसी भी पिक्चर का नेगेटिव व्यू भी ले सकते हैं। बट वन मोर थिंग, कि आपने सारी परफॉर्मेंस जो सारा परफॉर्म कर रहे हैं ना, बेसिकली आपने न्यू लेयर पे करना है, डुप्लीकेट लेयर पे करना है, ओरिजिनल लेयर पे नहीं करना, जिस पे आपने पहले से कोई एडिटिंग परफॉर्म की हुई हो या आपने मेन जो आपका इमेज है उस पे नहीं करनी। हमेशा डुप्लीकेट लेयर लेके आपने ये परफॉर्म करनी है। सो लेट्स बैक टू द इफेक्ट ऑप्शंस। अभी एक्सक्लूजन आ गया, सब्ट्रैक्ट है, डिवाइड है, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास जो है वो हैं। अब जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो है हमारे पास ओवरले और सॉफ्ट लाइट। देखें सॉफ्ट लाइट और ओवरले। अब ये सॉफ्ट लाइट हमने किया है, ओवरले हमने किया है, ये दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब जैसे हम सॉफ्ट लाइट करते हैं, सॉफ्ट लाइट के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है ओपेसिटी का। ये ओपेसिटी है, यहाँ से हम अपनी इमेज को देखकर ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेंगे। लाइक हम कर लेते हैं 75। अब ये देखें आपके पास इमेज का साइज थोड़ा सा वो, अब 50 कर ली, 25 कर ली, देख रहे हैं आप पिक्चर का जो मतलब ब्राइटनेस है वो चेंज होती जा रही है। आप जैसे इस लेयर को बंद करें, आई इसकी क्लोज कर दें, ये आपकी ओरिजिनल इमेज थी। अब आपने एक इफेक्ट अप्लाई किया इसके ऊपर सॉफ्ट लाइट का, तो अब आप देखें कि इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी चेंजेस आ गई। ये भी एक पिक्चर एडिटिंग के लिए बहुत परफेक्ट वे है कि आपने जो इमेज उठाई है वो बेसिकली आपने उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस परफॉर्म कर दी, ताकि कॉपीराइट का इशू भी ना आए, और इसके अलावा आपकी इमेज थोड़ी सी ब्राइट भी हो जाए, उसके कलर थोड़े से चेंज हो जाए, थोड़ी सी उसके अंदर ब्राइटनेस आ जाए, थोड़ी सी उसके अंदर जो है वो शार्पनेस आ जाए, तो ये हम जो है वो इसके लिए परफॉर्म करते हैं ना। अगर हमने और थोड़ी सी शार्पनेस करनी है, मतलब थोड़ी सी और इफेक्ट वो करना है, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है। हम एक और ऑप्शन पे जाते हैं, हम इसी लेयर को करते हैं डुप्लीकेट फिर से। कौन सी लेयर को हमने डुप्लीकेट किया, जिसमें हमने पहले से इफेक्ट अप्लाई किया हुआ, हमने उसी लेयर को डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद हम आ गए, हमने एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी ओवरले की, ठीक है, बहुत सारी हैं वैसे तो। और एक और चीज़ आपको बता दूँ यहाँ पर कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस ओवरले और
जो है वो हमारे पास सॉफ्ट लाइट ही यूज़ होती है, बट इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ इमेजेस में आप जो है वो लिनियर लॉज यूज़ करेंगे, कुछ इमेज में आप मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे, कुछ इमेज में आपको नॉर्मल ही यूज़ करना पड़ेगा, समटाइम्स लोग डिसॉल्व यूज़ करते हैं, बहुत सारे इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। वो आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपने अपनी इमेज को किस तरह से मतलब परफेक्ट बनाना है, लाइक पिक्चर परफेक्ट बनाना है, कि देखने वाले को ये ना लगे कि ये पिक्चर जो है वो आपने मतलब कोई डुप्लीकेट पिक्चर लेके आपने उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर दी है। एक पिक्चर परफेक्ट आपकी इमेज लगनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कोई वेबसाइट से रिलेटेड, आप किसी वेबसाइट से रिलेटेड अपना ये डिज़ाइन वो कर रहे हैं, तो डिज़ाइनिंग जो है वो यूज़र को रीडर को बहुत अट्रैक्ट करती है। और अगर आप कोई क्रिएटिव डिज़ाइन बना रहे हैं, उसके लिए भी आपने जो है वो एक पिक्चर परफेक्ट इमेज जो है वो डिज़ाइन करना है, रीडिज़ाइन करना है। बेसिकली हमने ये जो किया है, बेसिकली नेट से एक आइडिया लिया अच्छा सा, और उसको हमने अपने हिसाब से, अपने साइजेस के हिसाब से, अपनी इफ़ेक्ट के हिसाब से, अपनी जो है वो क्या कहते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे जो है हमने चेंज कर लिया है, लाइक इफ़ेक्ट अप्लाई कर दिया या क्रॉप कर लिया या रिसाइज वगैरह कर ली, मॉडिफिकेशन कर ली। और ये सारा काम जो है वो हमारे पास फोटोशॉप में हो रहा है। ये बेसिकली एक ऑफलाइन टूल है डिज़ाइनिंग का, फोटोशॉप CC 2015 वर्जन है ये इसका। लेट्स बैक ओवरले। अब हमने ओवरले अप्लाई कर दिया। अब ओवरले अप्लाई करने के बाद अब आप ये देखें, ये एक सॉफ्ट लाइट है। अब हमने इसे ग्रुप कर दिया। ग्रुप कैसे करते हैं? कंट्रोल जी से ग्रुप होता है। लेट्स गो। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, थोड़ी सी और क्या कह सकते हैं, ब्राइटनेस शार्पनेस के लिए, थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन के लिए एक और ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पर हम आते हैं इमेज में एडजस्टमेंट के ऑप्शन में। एडजस्टमेंट के ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। अब इसके अंदर हमने करना, ये देख रहे हैं आप, जैसे मैं ब्राइटनेस पे थोड़ा सा जो है वो अपना स्क्रॉल बार, ये जो बार है मैं थोड़ी सी वो कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये आपकी इमेज का जो डिज़ाइन है, शार्पनेस है, वो चेंज हो रही है। ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर रहा है, थोड़ी सी ज़्यादा कर रहा है, मतलब लाइक आपने अपने हिसाब से, क्योंकि हर बंदा बेबी की इमेज पे काम नहीं करेगा और हर बंदे के पास इतनी शार्प इमेज नहीं होगी, तो आपने अपने हिसाब से इसे शार्प बनाना है। अब ये देखें कि ये किस तरह से मतलब हमने इसको वो करना है। अभी इस वक्त मैंने जो अप्लाई किया है, वो अप्लाई किया है मैंने 59% -59 अप्लाई किया हुआ, और प्लस मैंने जो है वो 20-21 मतलब कुछ, जहाँ पर आपकी ये देखें ना कि आपकी ये पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट आपको नज़र आ रही है, वहाँ आप इसे रोक दें। आप कंट्रोल जी से इसे वो भी कर सकते हैं। और हमने एक न्यू लेयर पे काम किया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपने जो लेयर्स डुप्लीकेट की थी, जिस पे आपने प्रॉपर्टी अप्लाई की थी सॉफ्ट लाइट की और ओवरले की, उस पे ये आपने परफॉर्म नहीं करना ब्राइटनेस, उस पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो एक प्रॉपर्टीज़ की लेयर है। ओरिजिनल जो आपकी लेयर है वो लेयर वन ही है, जिस पे आपने कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था। अब आप उस पे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट अप्लाई कर रहे हैं थोड़ा सा, और अब आप ये देख रहे हैं कि लेयर वन जो है वो नीचे है और इसके ऊपर दो लेयर्स हैं, लेकिन फिर भी हम जब चेंज कर रहे हैं ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, अब दैट्स नेक्स्ट। अब ये देखें, हमने कंट्रोल जी किया, ये आपकी इमेज थी ओरिजिनल, ठीक है, जो आपने दो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा हमने इसके अंदर शार्पनेस क्रिएट कर दी है ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट से। ठीक है, ये बेसिकली एक इमेज जो हमने अभी तक क्रिएट की है, ये वो इमेज है जो आपने गूगल से डाउनलोड की थी, images.google.com से, और ये वो इमेज है जो आपने एडिट की है। डिड यू फील द डिफरेंस? माइनर चेंजेस के बाद हमारी एक दूसरी इमेज मतलब निकल आई है। इस पर कभी भी जो है वो कॉपीराइट का इशू आपके पास नहीं आएगा, और अगर आप इसे 100% करके देखें तो ये इमेज आपकी जो है वो पिक्सलेट नहीं हुई है, इसके पिक्सल ब्रेक नहीं हुए हैं, ये उतनी पिक्सल पे है जितने पिक्सल पे हमने इसे मतलब जो है वो डाउनलोड किया था, या डाउनलोड करने के बाद इसकी रिसाइजिंग की थी। अच्छा, एक और चीज़, आपने ये जो लेयर्स बनाई हुई थी, इसे आप आई क्लोज करके चेक कर सकते हैं कि कौन से लेयर पे जाके आपकी ये इमेज बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट आपको नज़र आती है। यहाँ पर हमारे पास एक डिलीट के साथ ही एक जो है वो हमारे पास बटन है, जिस पे हमारे पास क्लिक करने से हमारे पास एक न्यू लेयर क्रिएट होती है। बेसिकली न्यू लेयर का मैं आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ। न्यू लेयर की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा वीडियो के। न्यू लेयर की जो है वो हमारे पास एक शॉर्टकट की है। न्यू लेयर आप यहाँ से नीचे से भी क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने आपको भी बताया ना। ये एडिटिंग का एक और जो है वो हमारे पास ऑप्शन है। अब देखें, आपके पास जो है वो यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट हो गई है, ठीक है, और जो है वो लेयर टू के नाम से। अब यहाँ पर आपने जो है वो सिलेक्शन टूल जो है वो बेसिकली सेलेक्ट कर लिया है,
मूव टूल के, इफेक्ट टूल के नीचे होता है ये सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगुलर टूल बेसिकली इसे कहा जाता है, जिसके अंदर हमारे पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं, रेक्टेंगल है, सर्कल है और लाइन टूल है। तो जिसे ज़्यादातर यूज़ जो है वो हम लोग करते हैं सिलेक्शन टूल, ये स्क्वायर जो होता है। इसमें सिलेक्शन टूल का बेसिकली मैं आपको पर्पज़ बताऊँ, सिलेक्शन टूल बेसिकली आपको किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना हो, किसी भी इमेज के अंदर से कोई पोर्शन सेलेक्ट करना हो, या जो है वो पोर्शन रिमूव करना हो, या वो पोर्शन का कलर सिर्फ चेंज करना हो, तो मतलब सिलेक्शन टूल से ये होता है कि आप स्पेसिफिक उस पोर्शन पे जो है वो काम कर सकते हैं। ये सिलेक्शन टूल है। अब इसके अंदर मैंने सिर्फ मतलब जो है वो ये बेबी की आई सेलेक्ट कर ली है, या मतलब कोई भी पोर्शन हमने सेलेक्ट कर लिया है, लाइक कोई किसी चीज़ को हमने मतलब सिर्फ हाईलाइट करना है, या कोई ऐसी चीज़ हमने लेनी है पूरी इमेज में से। अब जैसे समटाइम्स ये होता है कि हमने पूरी इमेज जो है वो बेबी की उठाई, लेकिन हमें सिर्फ उसका फेस चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद जिस लेयर से सिलेक्शन ली है, लाइक हमने मतलब जो है वो जिस लेयर की सिलेक्शन ली है उस पर हमने खड़ा रहना पड़ता है, उस पर हमने रहना पड़ता है। जैसे लाइक लेयर वन की हमने सिलेक्शन ली हुई है, ठीक है, हमने लेयर वन पे गए और हमने प्रेस कर दिया कंट्रोल जे। कंट्रोल जे प्रेस करने से, मैंने आपको बताया था लास्ट भी, कंट्रोल जे प्रेस करने से जो लेयर होती है वो उसका डुप्लीकेट आपको क्रिएट करके देता है, एक न्यू लेयर के शेप में दे देता है कंट्रोल जे। अगर आप विदाउट सिलेक्शन कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो लेयर एक्यूरेट डुप्लीकेट हो जाएगी, एज इट इज़ डुप्लीकेट हो जाएगी, पूरी की पूरी इमेज डुप्लीकेट हो जाएगी। जैसे हमने बैकग्राउंड को डुप्लीकेट करके फिर काम अपना स्टार्ट किया था। अब जैसे सिलेक्शन के बाद आपने कंट्रोल जे प्रेस किया तो उसके अंदर से वो सिलेक्शन निकल के आ गई, मतलब इसे आप जो है वो इसे आप जो है वो लेयर वाया कॉपी भी कह सकते हैं, लेयर वाया कट भी कर सकते हैं। मतलब आप जब सिलेक्शन लेंगे तो सिलेक्शन टूल पे आप राइट क्लिक जब आप करेंगे ना तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जिसे हमने अभी जो की है वो लेयर वाया कॉपी की है। कंट्रोल जे प्रेस किया हमने, वो लेयर भी रही जिससे हमने जो है वो अपना पोर्शन मतलब जो ओरिजिनल इमेज है वो भी रही हमारी, और हमारा एक और पोर्शन भी लेयर थ्री, आप देख रहे हैं राइट साइड पे आपके पास नज़र आ रहा है लेयर थ्री की जो है वो नाम से एक नया जो है वो हमारे पास पोर्शन क्रिएट हो गया उस सिलेक्शन का। अब इसे हमने क्लोज कर दिया, मतलब इसकी आई बंद कर दी, जो मेन लेयर थी उसकी आई बंद कर। अब ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक इमेज आ गई है जो सिर्फ बेबी का फेस है, ठीक है। अब जो इशू है वो ये कि अगर आप इसे एज इट इज़ सेव कर देते हैं ना तो इशू ये होगा कि इसके बेबी का जो फेस है, यानी जो हमारे पास जो इमेज है, जो पोर्शन आपने क्रॉप किया है, उसके राइट लेफ्ट अप एंड डाउन पे ना वाइट स्क्रीन आ जाएगी। तो हमें वाइट स्क्रीन नहीं चाहिए, हमें एक्यूरेट इमेज चाहिए। तो हम फिर से अपना वही टूल जो मैंने आपको पहले बताया था क्रॉप टूल यूज़ करेंगे, लाइक सी प्रेस किया, सी इसकी शॉर्टकट की है, इसके हमने इसकी एडजस्टमेंट कर दी हमने, इसके टूल्स वगैरह से, इसकी जो है वो कॉर्नर से, इसके बॉर्डर से, ये हमने सिलेक्शन ले ली। अब हमारे पास देखें ये साइज़ आ गया 726x747, ये हमारा एक्यूरेट साइज़ आ गया, स्क्वायर में इसे आप साइज़ को कह सकते हैं, ये हमारी 100% है। अब 100% का मतलब ये होता है कि लाइक आप ये देख रहे हैं पिक्चर, इस वक्त ये पिक्चर में कहीं पर भी ये पिक्चर का कोई भी पार्ट ब्रेक नहीं हो रहा, पिक्सलेट नहीं हो रहा। अगर आप चाहें उस पोर्शन में से, मतलब आपने एक बहुत बड़ी इमेज उठाई थी बट आपका काम इस इमेज से हो जाता है, लाइक आपने सिर्फ बेबी की कोई इमेज यूज़ करनी है अपनी किसी डिज़ाइन में, अपनी वेबसाइट में, या आपने कोई ऐसी वेबसाइट बनाई हुई है, कोई कंटेंट रिलेटेड वेबसाइट है, आपकी निच रिलेटेड वेबसाइट है, कोई कैटेगरी रिलेटेड आपकी वेबसाइट है जिसमें आर्टिकल है बेबी से रिलेटेड, उसमें आप ये जो है बेबी का फेस जो है वो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जो आपका कोई कंटेंट है उससे रिलेटेड आप ये यूज़ करते हैं। ये सिर्फ इस इमेज से मैंने आपको समझाया, आप किसी और इमेज में भी ये पोर्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली ये फोटोशॉप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टूल है फोटो एडिटिंग, पिक्चर एडिटिंग के लिए। इसके अंदर हम एक फ़ोटो एडिटिंग का भी चैप्टर रख लेंगे बट इन फ्यूचर, अभी सिर्फ जो है वो मैं ये जो हमारा जो सेशन चलेगा, ये पूरा जो हमारा एक जिसे कहते हैं पूरा एपिसोड चलेगा, उसमें डिफरेंट जो पार्ट्स होंगे उसमें सिर्फ हम पिक्चर एडिटिंग के बारे में बात करेंगे, पिक्चर को आप किस तरह से एडिटिंग एडिट कर सकते हैं, प्लस ऑनलाइन टूल्स, ऑफलाइन टूल्स, पिक्चर्स डाउनलोड करने के, पिक्चर्स अच्छी से अच्छी पिक्चर्स HD पिक्चर्स डाउनलोड करने के टूल्स देखेंगे। इसके अलावा हम एडिटिंग को परफेक्ट और टूल्स एडिटिंग के जो होते हैं हमारे पास ब्रशेज़ हैं, रेजर टूल है, दो फोटोज़ को मर्ज करना है, फोटोशॉप के बेसिक टूल्स क्या क्या हैं जिनके ज़रिए हम पिक्चर एडिटिंग परफॉर्म कर सकते हैं या और कोई काम कर सकते हैं, टेक्स्टिंग वगैरह ऐड करनी है, पिक्चर की रीडिज़ाइन करनी है, या इस तरह से जितने भी टूल्स हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पूरे कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल जस्ट मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में सिर्फ ये बताना है कि आपने पिक्चर एडिटिंग मतलब जो है वो बेसिक टूल्स के ज़रिए कैसे करनी है। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। ये देखें, अब हमारे पास ये टूल आ गया, ठीक है, मतलब ये एक इमेज जो है वो हमारे पास आ गई है, अब आपने ये यूज़ कर लेनी है। अब हम इसको
ओरिजिनल शेप में ले आते हैं फिर से कंट्रोल। अच्छा एक और चीज़ आपको बताऊं, जो हमारे विंडोज़ के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं नॉर्मल सॉफ्टवेयर, उसमें कंट्रोल जी हम करते रहते हैं तो ये अंडू होता रहता है, बेसिकली हम पुराने प्रीवियस एक्शन पे चले जाते हैं। तो फोटोशॉप में जो है कंट्रोल ऑल्ट जी है, ये लिख लें आप लोग, कंट्रोल ऑल्ट जी है। तो बेसिकली मैं ये जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जो है वो उसे देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है अब ये है कि एक और मतलब पिक्चर एडिटिंग का मैंने आपको बताना था, लाइक सिलेक्शन टूल से, जो मैं आपको बता रहा था कि सिलेक्शन टूल से हम जो है वो करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है फीदर। बेसिकली फीदर क्या होता है, बेसिकली फीदर जो है हमारे पास, फीदर की इटसेल्फ जो डेफिनेशन है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। फीदर बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं अपना जो सिलेक्शन होती है ना उसको कर्व करने के लिए, या उसे थोड़ा सा ब्लर आउट करने के लिए, उसका फोकस आउट करने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं फीदर। बेसिकली हम यूज़ करते हैं समटाइम्स जो है वो अपनी सिलेक्शन के अंदर, मतलब लाइक हमने एक्यूरेट जो सिलेक्शन लेनी है या हमने किसी चीज़ पे कोई सिलेक्शन परफॉर्म करनी है, तो सिलेक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना वो बहुत ही सॉलिड वे में होते हैं, और फीदर लगाने से ना वो एक मतलब जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास एक ईजी वे में मतलब जो है ना हमारे पास आ जाते हैं, और उनका जो है ना फोकस मतलब उनके जो कॉर्नर्स हैं वो हमारे पास जो है वो उनके जो कॉर्नर्स हैं बेसिकली फीदर लगाने से हमारे पास सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब वो ब्लर फील होते हैं। तो उससे ये होता है कि आपकी जो हार्डनेस है, जो बेसिकली आपकी कॉर्नर्स हैं वो एक्यूरेट शो नहीं होते। ये मैं आपको करके बताऊंगा ना तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। इट सेल्फ जो डेफिनेशन है वो मैं बता दूंगा उसके अंदर, तो वो आप ज़रा देख लीजिएगा। बट जो हमारी वर्किंग है, बेसिकली हमने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाना है। सो देखें ये कैसे बेसिकली हमने परफॉर्म करना है। ये फीदर लिया हमने, फीदर में यहाँ पर हम जो अभी लिखेंगे ना, बेसिकली आप जो है वो 1 से लेकर 100 pixels तक इसके अंदर लिख सकते हैं, बट अभी हमने पिक्चर एडिटिंग परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हमने 100 pixels ये यहाँ पर पुट किया। ये हमने ली पूरी सिलेक्शन अपनी पूरी इमेज की। अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमारे पास मैंने आपको बताया कि ये फीदर क्या करता है, बेसिकली आपके कॉर्नर्स को जो है वो कर्व कर देता है। ये देख रहे हैं आपके चारों कॉर्नर्स जो है वो ऑटोमेटिकली कर्व हुए हैं। इसमें बेसिकली ये जो कर्व हुए हैं इस वक्त, ये बेसिकली कर्व हुए हैं आपके बहुत ही मैक्सिमम वे पे, मतलब लाइक 100 एक अच्छा मतलब वॉल्यूम होता है, 100 एक अच्छा जो है ना ऑप्शन होता है जिसके ज़रिए हम थोड़ी सी एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब जो मैंने आपको अभी बतानी है वो कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप 50 भी कर सकते हैं अगर आपको, बेसिकली ये जितनी ज़्यादा आप इसके नंबर बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और ये उतना ज़्यादा ये ब्लर होता जाएगा। अगर आप 50 रखेंगे ये नॉर्मल पे चलेगा, आप 25 रखेंगे ये और जो है वो फोकस करेगा और हार्ड होता जाएगा, मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे ये सॉफ्ट होता जाएगा, जैसे जैसे नंबर कम होते जाएंगे लाइक 25 है, 10 है, 15 है, तो ये हार्ड होता जाएगा, और अगर 0 पे रखेंगे तो नॉर्मल जैसे हमको हमें मतलब सिलेक्शन मिलती है वैसे सिलेक्शन मिल जाएगी। अब जो हमने इसके अंदर एडिटिंग परफॉर्म करनी है वो ये करनी है कि लाइक हमने 100 पिक फीदर सेलेक्ट कर लिया, फिर सिलेक्शन टूल से हमने सिलेक्शन ले ली, जैसे हमारे सिलेक्शन आई तो सिलेक्शन हमने पूरे की ली थी बट हमारे फीदर की वजह से हमारे कॉर्नर्स हो गए कर्व। अब जो इसके अंदर एडिटिंग परफॉर्म करनी है वो ये है कि राइट क्लिक किया हमने इसी सिलेक्शन पर, और इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है फिल और स्ट्रोक, हमने स्ट्रोक पर जाना है, स्ट्रोक पर हमने क्लिक किया, या आपके पास स्ट्रोक का बॉक्स आ गया, यहाँ से हमने कलर सेलेक्ट किया ब्लैक, ज़्यादातर ब्लैक यूज़ होता है। अब ब्लैक कलर के साथ जो आपकी लाइट इमेजेस होंगी जिन पे आपको ये लगेगा कि बहुत ही ब्राइट कलर है, लाइट इमेजेस हैं, उसके ऊपर आप ब्लैक, डार्क ब्लू और डिफरेंट डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपकी एक इमेज बहुत ही लाइट है उस पर आपने ये एडिटिंग परफॉर्म करनी है, ये वाली एडिटिंग, ये वाला पोर्शन, ये वाला सेक्शन, तो आपने कोई लाइट कलर चूज़ करना है, मतलब एक बहुत ही डार्क इमेज है, आप एक ब्लैक कलर की इमेज पे या डार्क ब्लू कलर की इमेज पे आप काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आपको ये एडिटिंग परफॉर्म करनी है तो आपको थोड़ी सी इफ़ेक्ट देखना पड़ेगा। हमारे नेक्स्ट सेशन में ना मैं एक डार्क वीडियो पे भी आपको ये करके दिखा दूंगा, बिकॉज अभी ये वीडियो बन चुकी हुई थी दैट्स व्हाई मैं नहीं कर सका, बट मैं ये आपको करके दिखा दूंगा। अभी डार्क हमने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके किया। अब यहाँ पर हमने विड्थ बतानी है। विड्थ क्या होती है, मतलब आपकी ये जो जितनी भी फीदर लगेगा, लाइक ये हमारे पास जो हमने सिलेक्शन ली है, सिलेक्शन पे जो एडिटिंग होगी उसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो 10 पिक्सल होनी चाहिए, या 15 होनी चाहिए, या 25 होनी चाहिए। ये किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं ये देख लेते हैं हम, ये देखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया होगा। यहाँ से आपने सेंटर सेलेक्ट किया, आउटसाइड सेंटर और इनसाइड, इन तीनों का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मोड नॉर्मल, ओपेसिटी 100, ओके, ये हमने किया ओके। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो इमेज थी उसकी सिलेक्शन जो हमने ली हुई थी, बेसिकली जो हमने सिलेक्शन ली हुई थी बेसिकली, ये मैं ज़रा देख दिखा देता हूँ आपको 100% करके, उसकी जो हमने सिलेक्शन ली थी उसके जो कॉर्नर्स थे
वो थोड़े से ब्लैक हो गए। ब्लैक भी इस तरह से हुए कि जो हमने फीडर लगाया था उसकी वजह से ये बिल्कुल कॉर्नर इसके जो है वो थोड़े थोड़े ब्लैक हुए हैं, यानी जिसे कहते हैं एक शेड आ गया ब्लैक का। तो वो बेसिकली हमने परफॉर्म किया है। ये जो फोटो एडिटिंग होती है ना, समटाइम्स जो हमारे पास मॉडल शूट्स होते हैं, फोटो एडिटिंग होती है, उसके अंदर ये चीज़ जो है वो यूज़ करते हैं लोग, मतलब लाइटिंग के लिए, शेड्स के लिए। और जो एक इमेज है, एक लाइट इमेज है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा इफेक्ट देना है डार्क कलर का, तो उसके लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं आपको करते करते बताता हूँ, साथ साथ ही बताता हूँ। अब जो हमने ये मतलब जो है ना सिलेक्शन लिया, अब आप इसकी आई क्लोज करके भी देख सकते हैं इसको कि मतलब अगर ये आप वो करना चाहें, नहीं यूज़ करना चाहें, तो ये कैसी लगती है। और फिर आप इसे आई ओपन करके देख लें इसकी कि ये कैसा लगता है बेसिकली, ठीक है। अब डिलीट करके अगेन बनाते हैं, न्यू लेयर ली, सिलेक्शन ली, सिलेक्शन के बाद आपने यहाँ से इसको कर दिया लाइक 75 पिक्सल्स, मैं आपको बता रहा था। अब देखें कॉर्नर्स थोड़े से जो है ना वो हो गए, लाइक लाइट कर्व हो गए, मतलब सॉफ्ट उसमें जो है हार्डनेस आ गई थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ से फिर हम जो है वो इसको कर लेते हैं, अब वापस अगेन 100 से आपने इसकी सिलेक्शन ली। सिलेक्शन के बाद आपका ये कॉर्नर कर्व हो गया, कर्व होने के बाद आपने फिर से राइट क्लिक किया, स्ट्रोक पे गए, स्ट्रोक पे आपके पास ये एक स्ट्रोक का एक वो आ गया। अब यहाँ पर हम विड्थ थोड़ी सी जो है वो देख लेते हैं, विड्थ हमने कितनी करनी है, लाइक 25 कर लेते हैं। 25 से ये होगा कि जो हमारी जो है मतलब जितनी आप विड्थ बढ़ाते जाएंगे ना, उस उतनी कलर की जो हमारे पास कंट्रास्ट है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन पहले 10 हमने किया था, अब 25 किया, मतलब आप इसे 100 भी कर सकते हैं, 100 करके देख लें एक मरतबा, 25 करके देख लें, 50 करके देख लें, एक बार आपने ये परफॉर्म करना है सिर्फ। अब देखें ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, हर काम हमने न्यू लेयर पे लेना है, हर काम न्यू लेयर पे करना है। इन केस अगर आपने ये काम, ये जो हमने सिलेक्शन परफॉर्म की है, लेयर वन पे कर दिया होता, लेयर वन कॉपी टू जो हमारी मेन लेयर उस पे कर दिया होता, और फिर इसके बाद आपने इमेज को सेव कर दिया होता, और फिर अगर आपको ये लगता कि अगर ये मतलब जो इफेक्ट हमने लगाया ये इस इमेज पर जो है वो सही नहीं लग रहा, तो आप इसे कैसे डिलीट करते हैं। फिर आपने अपनी इमेज फिर से डिलीट करनी होती, फिर से आप जो है वो इफेक्ट अप्लाई करते हैं, फिर से आप न्यू इमेज क्रिएट करते हैं, फिर से आप क्रॉपिंग करते हैं, सारी चीज़ें फिर से करनी पड़ती। अब हमने लेयर डिलीट कर दी, ठीक है। अब न्यू लेयर ली हमने फिर से, अब हम थोड़ा सा जो है वो इसको फीडर टूल को जो हमने स्ट्रोक लगाया था उसको ज़रा स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये सिलेक्शन हो गई, राइट क्लिक किया, स्ट्रोक पे आए, अब स्ट्रोक के बॉक्स को हम ज़रा देख लेते हैं। बेसिकली आउटसाइड क्या होता है, बेसिकली आउटसाइड वो चीज़ होती है, लेकिन आपने सिलेक्शन ली, सिलेक्शन लेने के बाद जब आपने ये फीडर लगा के जब सिलेक्शन लिया और इसके आपने स्ट्रोक अप्लाई किया, कलर अप्लाई किया जो हमने, आउटसाइड का मतलब ये कि जो आपकी सिलेक्शन है ना उसके बाहर वाले हिस्से पे, मतलब ये जो है आपके कलर को फिल करेगा, ठीक है। जब आप इसे आउटसाइड करके ओके करेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो सिलेक्शन है उसके बाहर वाले हिस्से में, मतलब जो है ना उसका कलर फिल होगा, जो हमने कलर सेलेक्ट किया हुआ ब्लैक। ये देखें ये जो कलर फिल हुआ है ना, ये बेसिकली बाहर वाले हिस्से पे, अंदर वाले हिस्से पे नहीं हुआ, मतलब लाइक सिलेक्शन के अंदर वाले हिस्से पे नहीं हुआ, ठीक है। आप सेंटर भी करके देख लीजिएगा और आप इनसाइड भी करके देख लीजिएगा, राइट क्लिक करके आप अपनी सिलेक्शन को डीसेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, आई क्लोज करके आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपका ये चीज़ जो आपने अप्लाई की है ये अच्छी लग रही है या नहीं। ये मैंने आपको बताया इसका बेसिक पर्पज़ फोटो एडिटिंग के लिए होता है, लेकिन आप इसमें भी इसे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी चेंज चाह रहे हैं। वैसे आपने जितना कर लिया है इट्स मोर देन इनफ फॉर वेबसाइट्स, फॉर पोर्टल्स, फॉर एडिटिंग, मतलब आप जितना अगर किसी वेबसाइट पे अगर आपने लगाना है या पोर्टल पे वगैरह पे लगाना है तो उसके लिए दिस इज़ परफेक्ट। बट फिर भी मैं आपको सारे टूल्स बता देता हूँ, जिसको जो बेहतर लगे वो उस हिसाब से जो है वो उसको देख सकता है। अब हम जो है वो एक और नई चीज़ परफॉर्म करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया था ओवरले और उसके बारे में, सॉफ्ट लाइट के बारे में। अब हम एक और चीज़ परफॉर्म करने जा रहे हैं रिलेटेड टू सॉफ्ट लाइट, रिलेटेड टू इफेक्ट प्रॉपर्टीज़ रहे, जो ऊपर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं नॉर्मल, डिसॉल्व, जो मैंने आपको पहले बताया। हमने एक न्यू लेयर ली, उसके अंदर हमने कलर फिल किया ब्लैक, टोटली ब्लैक। कलर फिल कैसे करते हैं, कलर फिल करने की शॉर्टकट की है ऑल्ट डिलीट। लेयर में अगर आपने कलर फिल करना हो ना तो उसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट डिलीट। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, बट फिर भी आप लिख लें। मैं बार बार लिखने का इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको याद रहेगा अगर आपने लिखा होगा तो। सो आपको बार बार डिस्क्रिप्शन में जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो मैंने बताया था आपको, एक हमने लेयर ली, लेयर को पूरा कम्प्लीटली फिल करने के लिए हमने जो है वो ऑल्ट डिलीट प्रेस किया। अब ब्लैक कलर कैसे हुआ, लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं आपके पास ब्लैक और वाइट कलर सेलेक्ट है,
वहाँ से आपने कलर बॉक्स पे क्लिक करना है, वहाँ से आपने कलर पिक करना है। जो कलर यहाँ पिक होगा वही कलर जो है वो हमारे पास ऑल्ट डिलीट प्रेस करने से उस लेयर में जो है वो फिल हो जाएगा। राइट साइड पे आप देख रहे हैं लेयर टू आपके पास लिखी हुई है, उसमें ब्लैक कलर फिल्ड है। अब जो हमारे पास हमने अब थोड़ी सी जो मतलब इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे थे हम, थोड़ी सी जो हम इफ़ेक्ट परफॉर्म करने हैं वो ये करने हैं कि हमने लेयर टू यानी ब्लैक कलर वाली लेयर को सेलेक्ट करना है और ऊपर हमारे पास नॉर्मल के बॉक्स जितने भी ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक करना है। और हमारे पास ये सारे जो है वो ऑप्शंस आ रहे हैं, लीनियर डॉज, ओवरले, कलर, सॉफ्ट लाइट। मैंने आपको पहले भी बताया सॉफ्ट लाइट और ओवरले ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब देखें आपकी इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी वो हो गई है, तो इससे आप क्या करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया ओपेसिटी डाउन कर दें, उससे ये होगा थोड़ी सी और एडिटिंग परफॉर्म हो जाएगी। ये बेसिकली अब देखें अब इमेज की जो है आप मतलब वो डेंसिटी है, इमेज की जो क्वालिटी है या इमेज का जो स्टाइल है, इमेज के जो इफेक्ट्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं, टोटली डिफरेंट हो गए। लाइक आपने एक नई परफॉर्मेंस की है, एक तो हमने पहले अप्लाई किया था ना कि लेयर पे लेयर कॉपी करके उसे हमने सॉफ्ट लाइट किया, एक हमने एक नई चीज़ अप्लाई की कि हमने एक लेयर ली ब्लैंक लेयर, उसके ऊपर ब्लैक कलर फिल किया और उससे उस पर जो है वो सॉफ्ट लाइट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। आप कोई और कलर भी फिल कर सकते हैं, लाइक आप ब्लैक मैंने किया है, आप रेड कर लें, आप ब्लू कर लें, आप कोई भी कलर फिल करके देख लें कि आपकी जो इमेज है वो किस कलर पे जो है वो किस कलर पे ग्लो कर रही है, किस कलर पे आपकी वो पिक्चर जो है वो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट क्वालिटी पे जाके जो है वो बेस्ट रहती है, वो देख लें आप अपने हिसाब से कि क्या बेसिकली जो है वो आपकी पिक्चर की क्वालिटी होनी चाहिए। अब हमने ये अप्लाई किया इफेक्ट, अब राइट क्लिक मतलब हम इसकी जो है वो क्रॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको वो कर सकते हैं, लेकिन हम इसे मतलब थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर लेते हैं, स्क्वायर शेप में ले लेते हैं, थोड़ा सा शेप वगैरह चेंज कर देते हैं। क्रॉप टूल सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं करता कि आप अपनी पिक्चर को रीसाइज़ कर दें, क्रॉप टूल आप अपनी पिक्चर को साइज़ बड़ा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम एक और चीज़ अब परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं जो कि हमारे पास सिलेक्शन टूल से भी होती है और मूव टूल से भी होती है, मतलब ज़्यादातर हम जो है वो सिलेक्शन टूल से भी कर लेते हैं और मूव टूल से भी कर लेते हैं। सिलेक्शन टूल में हमारे पास एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट करने पर, राइट क्लिक करने पर फ्री ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि आपने अब तक जितनी भी रिसाइजिंग की थी ना वो टूल्स के ज़रिए की थी, अपने खुद के ज़रिए नहीं की थी, मतलब टूल्स के ज़रिए की थी, क्रॉप टूल के ज़रिए कर ली, सिलेक्शन टूल के ज़रिए कर ली। अब जो आप कर रहे हैं ना आप खुद परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपने माउस ओवर के ज़रिए जो है वो ये मतलब सिलेक्शन ये एडिटिंग परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल टी है, आप इसे मूव टूल के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे सिलेक्शन टूल के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस किया या फ्री ट्रांसफॉर्म पे है, अब आप ये देख रहे हैं कि आपके चारों तरफ जो है वो एक लेयर बन गई है, एक बॉक्स बन गया है जिसे आप मतलब वो जो रिसाइजिंग का एक वो बन गया है हमारे पास, ट्रांसफॉर्म बन गया हुआ एक, तो हम इसका साइज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी से खींच सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, राइट पे ले जाते हैं, लेफ़्ट पे ले जा सकते हैं। अब हम करते क्या हैं, देखिए मैंने आपको बताया क्रॉप टूल सिर्फ सिलेक्शन कम करने के लिए, पिक्चर की रिसाइजिंग को कम करने के लिए नहीं होता, पिक्चर बड़ी करने के लिए भी होता है। अब ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपने कॉर्नर से इसे पकड़ा और इसे बड़ा करते गए, देख रहे हैं स्लोली स्लोली से बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ आपको लगे कि आपकी मतलब ज़रूरत पूरी होती है आप उतना उसे जो है वो बड़ा कर लें। इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है, इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली फोटोशॉप में जो टूल है ना, बेसिकली ये डिज़ाइनिंग टूल है, इसके अंदर एक इशू है, इशू तो नहीं कह सकते, खैर इसकी अपनी क्वालिटी है, इसके अंदर थोड़ा सा इशू ये है कि आप एक पिक्चर का अगर रिसाइज़ कर देते हैं ना, मतलब उसे पिक्चर को आप साइज़ में छोटा कर देते हैं, अगर छोटा कर देते हैं अगर, तो आप उसे बड़ा ना करें, उसे फिर से बड़ा ना करें। कहने का मकसद ये क्या है, फिर से बड़ा क्यों नहीं करें, कि आपने एक पिक्चर को बड़े से छोटा कर लिया, तो अब जब छोटी हुई ना तो वो पिक्चर उस हिसाब से पिक्सलेट अपने साइज़ पर पिक्सलेट हो चुकी है, मतलब इस साइज़ पर पिक्चर परफेक्ट बैठ चुकी हुई है, उसकी क्वालिटी उस पर एडजस्ट हो चुकी हुई है। अब आप जब बड़ी करेंगे ना तो वो थोड़ी सी जो है वो ब्लर होना शुरू हो जाएगी, उसको वो पिक्सलेट होना शुरू हो जाएगी, उसके पिक्सल ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने कभी भी छोटी से बड़ी पिक्चर नहीं करनी। ये मैंने स्क्वायर शेप में एक इमेज बनानी थी तो मैंने आपको बताया कि ये हमने मतलब किस तरह से इसको परफॉर्म करना। दूसरा, आपने जब भी ट्रांसफॉर्म टूल यूज़ करना है तो आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ उस एक इमेज पे अप्लाई की हुई ना उन सबको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने राइट साइड पे देख रहे हैं आप लेयर वन, लेयर टू, लेयर वन कॉपी टू,
ये तीनों सेलेक्ट की हुई हैं, फिर जाके मैंने ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है। अदरवाइज़ क्या होगा, आप सिर्फ एक को पकड़ के ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे तो जो ऊपर प्रॉपर्टीज़ आपने अप्लाई किए हैं, यानी ब्लैक कलर को सॉफ्ट लाइट किया है, फिर आपने बॉर्डर्स जो फीदर लगाया था वो सब कुछ वहीं चला जाएगा। अब जब आपने बड़ा कर दिया, मतलब रिसाइज कर दी क्रॉपिंग के ज़रिए या ट्रांसफॉर्म टूल के ज़रिए आपने कर दिया, तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो आपका बॉर्डर है, बेसिकली जो ब्लैक कलर का हमने बॉर्डर अप्लाई किया था, वो इसके साथ राइट और लेफ्ट पे नज़र नहीं आ रहा। ऊपर तो नज़र आ रहा है, राइट और लेफ्ट पे नज़र नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, फिर से आप लेयर वन पे आएंगे जो आपके बॉर्डर्स हैं। अब देखें, कंट्रोल टी प्रेस किया ना, तो कंट्रोल टी प्रेस करने से उसने पूरे फ्रेम का, जो आपने कंट्रोल टी जिस फ्रेम पे आप खड़े हैं उसका एक फ्रेम बना दिया, उसकी एक लाइनिंग बना दी जिससे आप उसे रिसाइज कर सकते हैं। तो आपने राइट साइड से इसे मूव किया पकड़ते हुए माउस से, और लेफ्ट साइड से भी किया, ठीक है, ये आपने एंटर कर दिया। ट्रांसफॉर्म टूल अप्लाई करने के बाद आप इंटर करेंगे, वरना आपका कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा अगर आपने वो इंटर नहीं किया तो। अब ये तो मैंने डिलीट कर दिया ना बेसिकली। अब डिलीट क्यों किया मैंने, क्यों, क्योंकि वो जो मैंने अप्लाई किया हुआ था ना बेसिकली, वो डिफरेंट साइज़ के लिए अप्लाई किया हुआ था। सिलेक्शन मैंने डिफरेंट साइज़ के लिए भी थी, क्रॉपिंग नहीं की हुई थी उस वक्त। अब मैंने क्रॉपिंग कर ली, अब मेरा शेप जो है, साइज़ जो है मेरा स्क्वायर में आ गया। तो अब मैं फिर से सिलेक्शन टूल लूँगा, न्यू लेयर लूँगा, फिर से सिलेक्शन लूँगा, वही देखें कर्व हो गया, कॉर्नर्स कर्व हो गए चारों साइड से, फिर स्ट्रोक पे आए। अब जो है वो मैं 25 पिक्सल्स मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिए। अब देख लेते हैं, यहाँ पर हम 5 पिक्सल्स कर लेते हैं, सेंटर कर लेते हैं। सेंटर 5 पिक्सल्स का क्या मकसद है, सेंटर का मतलब ये है कि आपकी जो सिलेक्शन है उसके बाहर की तरफ, यानी आउटसाइड भी और इनसाइड भी, दोनों तरफ वो जो है वो इफेक्ट को अप्लाई, दोनों तरफ उस कलर स्ट्रोक को अप्लाई कर देगा। स्ट्रोक बेसिकली बॉर्डर्स होते हैं, स्ट्रोक बेसिकली बॉर्डर होता है। लेकिन बॉर्डर जो है ना सॉलिड क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया था फीदर के ज़रिए ये सॉलिड नहीं है। अगर आप यहाँ पर ज़ीरो करके स्ट्रोक अप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास ये बिल्कुल हार्ड सॉलिड फॉर्म में जो है वो बगैर कर्व हुए एक बॉर्डर ड्रॉ हो जाएगा 5 पिक्सल्स का। बट आपने फीदर अप्लाई कर दिया है, सो अब ये जो सेंटर अप्लाई करने के बाद, सेंटर की जो प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की उसमें ये होगा कि ये जो आपका जो कलर फिल करेगा ब्लैक कलर, वो आपके चारों साइड्स पे आउटसाइड भी और इनसाइड भी फिल कर देगा, ठीक है। हमने डीसेलेक्ट कर दिया, सिलेक्शन ख़त्म हो गई, हमारे पास ये जो है वो, हमारे पास एक इमेज जो है वो बिल्कुल रेडी होगी, ठीक है। अब इसकी डुप्लीकेट ले लें, डुप्लीकेट क्यों लेंगे, बेसिकली हमने इसकी इमेज का डुप्लीकेट क्यों लिए, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट क्यों लेंगे। डुप्लीकेट लेयर का मैंने आपको बताया था, एक तो कंट्रोल जी मैंने आपको बताया, और एक राइट क्लिक करके आप इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट हमने क्यों लिया, इसी का डुप्लीकेट क्यों लिया, क्यों, क्योंकि अगर आपने इस बॉर्डर्स को थोड़ा सा डार्क कलर करना है, ये देखिए थोड़ा सा डबल करके आप इसको थोड़ा सा डार्क कलर करके फिर ट्रांसफॉर्म कर लें, थोड़ा सा अपने हिसाब से, मतलब जो है वो इसको रिसाइजिंग कर लें, इसकी मॉडिफिकेशन कर लें कि कहाँ जाके ये जो है वो फिट बैठ रहा है, कहाँ जाके आप ये समझते हैं कि ये बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट आपको नज़र आ रही है। एक मतलब लेआउट होता है, एक चीज़ होती है जिसके ज़रिए आप मतलब समझते हैं कि वो आई कैचिंग होता है, कुछ पता चलता है आपको, ज़रा परफॉर्म करने से आपको ये आइडिया होता है, मतलब लाइक एक आपको आई कैचिंग से अंदाज़ा होता है कि हाँ भाई ये चीज़ जो है वो अब बिल्कुल परफेक्ट हो गई। लाइक मैंने आपको बताया, आपकी इमेज आई कैचिंग होनी चाहिए, आपकी इमेज पिक्चर परफेक्ट होनी चाहिए, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने इमेज कोई भी उठाई और उससे जो है वो थोड़ा सा जो है वो मतलब उसका मतलब जो है वो परफॉर्म किया और वो कर दी, पोस्ट कर दी अपनी वेबसाइट पे, अपने पोर्टल पे। आपने थोड़ी सी एडिटिंग परफॉर्म करनी होती है, इसीलिए मैंने आपको 3-4 जो है वो अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग वेज बता दी हैं जिसके ज़रिए आप एडिटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। बट जो आपको बेहतर लगता है आप उस हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं। सो नाउ हमने तीनों चीज़ों को ग्रुप कर लिया, कंट्रोल जी ग्रुप की शॉर्टकट की है, ग्रुप कर लिया। अब हमारे पास ये, हमने ग्रुप को वो कर दिया, लाइक ग्रुप की आई क्लोज कर दी। अब हम एक नई चीज़ परफॉर्म करने जा रहे हैं, एक नई चीज़ परफॉर्म कर लेते हैं। न्यू लेयर ली, फिर से ब्लैक कलर फिल किया। ब्लैक कलर फिल करने के बाद हमने, अब लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं यहाँ पर रेजर टूल जो मैंने सेलेक्ट किया है, अभी रेजर टूल सेलेक्ट किया। फिर इसके बाद आप जो है वो ये जो रेजर का जो स्ट्रेंथ है, रेजर की जो सर्कल स्ट्रेंथ है, उसे आप बड़ा कर सकते हैं। कीबोर्ड में शॉर्टकट कीज़ है इसकी, ये देख लें, लेफ़्ट से स्मॉल होता है और राइट से बिगर हो जाता है, इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हमने यहाँ पर छोटा किया, थोड़ा सा बड़ा किया, और फिर इसके बाद हमने माउस से इसे प्रेस किया। यानी हमने क्या किया, इस वक्त जो हमने ब्लैक कलर फिल किया था ना बेसिकली, उस पर हमने रेजर टूल यूज़ किया, यानी उसे मिटाया, उसे रिमूव किया, उसे रेज किया,
तो उसके अंदर जो ब्लैक कलर हमने फिल किया था उसको जब हमने रिमूव किया तो उसके अंदर उसके बैक साइड पे जो इमेज थी वो हमें नज़र आ गई। आपको कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर कि लेयर टू लेयर हमने काम क्यों करना है, कौन सी लेयर ऊपर होनी चाहिए, कौन सी लेयर नीचे होनी चाहिए? इससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? नहीं भी क्लियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू जस्ट मेंशन योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन बिलो, तो मैं उसका आंसर एज सून एज पॉसिबल देने की कोशिश करूँगा। अब हमने जो वो की लाइक फर्स्ट टाइम जो हमने वो किया था, जब प्रेस किया था तो थोड़ा सा मतलब जो है ना वो ब्रश उसके ऊपर अप्लाई हुआ था और थोड़ी सी रिमूवनेस उसके अंदर आई थी। अब हमने सेकेंड टाइम प्रेस किया, फिर हमने थर्ड टाइम उसे प्रेस किया, फोर्थ टाइम प्रेस किया, फाइव टाइम प्रेस कर दिया, सिक्स टाइम, सेवन टाइम प्रेस कर दिया, एट टाइम, जितनी बार प्रेस करते जाएंगे ना उतनी शार्पनेस उसके अंदर आती जाएगी। आप ये देख रहे हैं राइट मतलब कॉर्नर्स चारों जो आपके हैं वो एक्यूरेट सर्कल में बन गए, सर्कल स्टाइल बन गया उसका। आप ये देख रहे हैं आप फिश आई इमेज बन गई है आपकी। ये भी आप अपने जो वेबसाइट में पोर्टल में या एडिटिंग के लिए या किसी उस चीज़ के लिए किसी भी एडिटिंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छी मतलब जो है वो इमेज इसके ज़रिए आप क्रिएट कर सकते हैं, लाइक फ़िश आई आप देखते हैं, लेंस जो हमारे पास फ़िश आई आते थे उनके ज़रिए ये पिक्चर्स हम स्नैप करते थे, उस तरह की इमेज जो है वो आपके पास बन जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्लैक कलर ही फिल किया हो, आप ब्लू भी कर सकते हैं, जो आपकी इमेज पर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप वो फिल कर दें, आप रेड फिल कर दें, आप डार्क कलर है कोई आप लाइट कलर फिल कर दें, आपकी इमेज अगर डार्क कलर की आपको लाइट कलर फिल कर दें। तो ये हमने जो है वो एक परफॉर्म कर लिया। इस वक्त आपको वीडियो में थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा बिकॉज वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड है। सो आपने करना ये है कि आपने इसको अपने पास अप्लाई करके देखना है, जितनी बार आप रेजर टूल प्रेस करेंगे उतनी बार आपको ये अंदाज़ा होगा कि कौन से रेजर टूल पे मेरी इमेज बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट नज़र आ रही है। जहां आपको लगे कि नहीं नज़र आ रही आप कंट्रोल ऑल्ट जी करके उस जो एक्शन को रीडू भी कर सकते हैं, उस एक्शन को अंडू भी कर सकते हैं आप। रीडू का भी एक है, इस एक्शन को अंडू कर सकते हैं आप, ठीक है? अब मूव टूल सेलेक्ट किया, लेयर फोर पे हम खड़े हुए, कंट्रोल टी वही मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्म टूल के लिए, और आपने इसे कर दिया यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के। अब ये चारों साइड्स पे मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रांसफॉर्म टूल है। अब आपने करना ये है कि अगर आपने इनको चारों साइड से बड़ा करना है, एक तो ये ना कि आपने सिर्फ एक साइड से बड़ा करना है तो आप माउस से क्लिक करके इसे मतलब जो है ना वो कर दें, रिसाइज कर दें, बट अगर आपने इन्हें एक्यूरेट चारों साइड से मतलब एक चारों साइड से ये जो है वो एक्यूरेट बड़ा या छोटा यानी रिसाइज हो, तो आपने करना ये है कि कीबोर्ड में प्रेस करना है ऑल्ट शिफ्ट। अगर आपने किसी इमेज को चारों साइड से बड़ा करना है या छोटा करना है या रिसाइजिंग करनी है तो आपने कीबोर्ड में साथ प्रेस करना है ऑल्ट शिफ्ट और फिर इसके बाद माउस से उसकी रिसाइजिंग करनी है, लाइक देखें जैसे मैं कर रहा हूँ। अब आपको जहाँ लगे कि थोड़ी सी ब्लैक मतलब ठीक है, थोड़ा सा बॉर्डर ब्लैक ठीक है, थोड़ा सा जो है वो होना चाहिए, अब आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ दो ऑप्शंस को, जैसे हमने पहले चारों ऑप्शंस को एक साइड से पकड़ के हमने बड़ा किया था, रिसाइज किया था, अगर आपने सिर्फ दो ऑप्शंस को मतलब जो है वो अप एंड डाउन, लेफ्ट और राइट, सिर्फ दो ऑप्शंस को मतलब जो है वो आपने रिसाइज करना है, यानी पहले तो हमने चारों को किया था ना बेसिकली, अगर आपने सिर्फ दो को करना है अप एंड डाउन या लेफ्ट और राइट, ये अप एंड डाउन या लेफ्ट राइट में ही काम करेगा, तो आपने ये ध्यान में रखना है, ये कॉर्नर्स पे काम नहीं करेगा, कॉर्नर्स के लिए वही फिर चारों साइड से आपने करना पड़ेगा। अब अप एंड डाउन को अगर हमने थोड़ा सा वो करना है, रिसाइज करना है, तो जहाँ पर हमने शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस किया था, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस किया था, वहाँ सिर्फ आपने ऑल्ट प्रेस करके इसे जो है वो रिसाइज कर लेना है। अब जैसे अप एंड डाउन हो गया, अगर मैंने राइट और लेफ्ट करना है एक्यूरेट से, वैसे आप विदाउट ऑल्ट प्रेस किए सिर्फ एक साइड से कर सकते हैं। अगर आपने एक्यूरेट डुअल साइजेस पे मतलब दोनों साइड्स पे उसको अप्लाई करना है तो आप जो है वो ऑल्ट प्रेस करेंगे। अब आपने ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने का मकसद ये है कि आपने ये देख लेना है कि आपके जो बॉर्डर्स आपने अप्लाई किए हैं या जो आपने इफेक्ट अप्लाई किए हैं वो बेसिकली बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं, पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल एक्यूरेट उसकी आ रही है, आपने किस जगह पे जाके उसे मतलब जो है ना वो करना है, लाइक किस एंगल पे जाके वो आपकी बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट बैठ जाती है, आप इसे थोड़ा सा रिसाइजिंग कर लें, थोड़ी सी बड़ी कर लें, थोड़ी ओपेसिटी कम कर लें। अब इसके अंदर एक और ऑप्शन मैंने आपको अप्लाई करने का कहा था, मतलब कहा नहीं था, लाइक इसके अंदर एक और ऑप्शन हम अप्लाई कर सकते हैं, लाइक हम मैंने आपको बताया था ओवरले। अब इस ब्लैक कलर की हमने प्रॉपर्टी ओवरले कर दी, तो क्या हुआ कि आप ये देख रहे हैं ब्लैक कलर जितना भी था वो सब रेड में तब्दील हो गया। अब आपने इसकी डुप्लीकेट कर लिया, अब ये जो इमेज है ये आपकी होगी थोड़ी सी शार्प, देख रहे हैं ये शार्प हो गई इमेज बिल्कुल आपकी, आपको नज़र आ रही है कि इमेज बिल्कुल लाइट कलर में थी, अब ये डार्क कलर में शार्प कलर, यानी जहाँ जहाँ ब्लैक कलर था वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा ये रेड में आ गया, या जो भी डार्क कलर थे वो और थोड़े से डार्क हो गए। लेकिन ये नहीं है कि इसकी पिक्चर क्वालिटी ब्रेक हो गई या पिक्सलेट हो गई ये पिक्चर, ऐसा नहीं है, आप इसे राइट क्लिक करके 100% करके देख सकते हैं।
बट थोड़ा सा जो है वो आप ये देख रहे हैं इसकी जो इमेज है उसमें ये है कि मतलब पिक्चर ब्रेक नहीं हुई, पिक्सलेट नहीं हुई, बस जो आपके कलर्स थे वो थोड़े से जो है वो डार्क हो गए। यानी बेबी का फेस अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर जहाँ जहाँ लाइट कलर था वहाँ पर रेड कलर ज़्यादा हो गया। तो आपने करना ये होता है कि मतलब आपने ये देखना होता है कि आपने अपनी जो इमेज है वो किस तरह से किस एंगल पे जाके जो है वो परफेक्ट करनी है। अब आपने दो लेयर्स यहाँ पर अप्लाई की हुई हैं, आप उसमें से एक की ओपेसिटी कम कर दें थोड़ी सी, ब्लैक कलर के जो बॉर्डर्स आपने अप्लाई की हैं उसकी ओपेसिटी कम कर दें थोड़ी सी, या डुप्लीकेट ग्रुप करके इनको जो है वो इनकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दें। आई क्लोज करके देखें एक मरतबा कि किस तरह से ये हो रहा है। फर्स्ट ग्रुप हमने बनाया था जिसमें हमने लेफ्ट वो किया था, फिर हमने दोनों मतलब ग्रुपों को अगर हम ओपन करते हैं तो हमारी इमेज कैसे लगती है। मतलब तीन चार ऑप्शन बना के फिर इसके बाद आई क्लोज करके आई ओपन करके फिर आप ये देखें कि आपको कौन सा जो इमेज है, कौन सा जो मतलब ऑप्शन है आपके लिए वो बहुत ही पिक्चर ज़्यादा परफेक्ट है, वो हम लगा सकते हैं, उसकी हम परफेक्शन देख सकते हैं, उसमें हर चीज़ परफेक्ट है, उसमें पिक्चर की क्वालिटी परफेक्ट है, उसमें बॉर्डर्स एक्यूरेट लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली एक जो है ना टोटल हमारे पास रिव्यू था, ओवरव्यू था अबाउट फोटोशॉप एडिटिंग, पिक्चर एडिटिंग। अब हमने ये इमेजेस जो है वो सेव कर दी। इमेजेस सेव करने का जो एक्यूरेट तरीका या इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मैंने आपको बताया वो मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो बता दूंगा कि आप अपनी इमेज को हाई रेज पर ही जो है वो ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं फॉर वर्डप्रेस, फॉर वेबसाइट्स, क्योंकि वेबसाइट्स में लो साइजेस, लो केबीज पे जो है वो हमारे पास पिक्चर्स जो है वो चलती हैं। अब जैसे देखें मैंने इस इमेज का जो है वो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये शार्प बहुत ज़्यादा है, तो मैंने जो फर्स्ट बॉर्डर था जो हमने फर्स्ट इफेक्ट अप्लाई किया हुआ था ओवरले का, उसकी ओपेसिटी मैंने 50% कर दी। तो मुझे लगता है कि अब ये बिल्कुल थोड़ा सा काफ़ी बेहतर है, ठीक है। ज़्यादा भी आप इफेक्ट अप्लाई ना करें कि वो बिल्कुल ही पिक्चर पे आपके बिठा दे आपकी पिक्चर को, या पिक्चर के पिक्सल ब्रेक कर दे, या पिक्चर की क्वालिटी ख़राब कर दे, ठीक है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। अब एक और चीज़ आपको बतानी थी कि जो हमारे पास SEO के जो वो होते हैं ना इमेजेस, हम SEO के लिए सेव करते हैं, यानी अपनी वेबसाइट के लिए सेव करते हैं जिसमें SEO ऑप्टिमाइजेशन होती है, वो इस तरह के टाइटल हम अपनी पिक्चर के सेव करते हैं। यानी हमारा जो जिस जहाँ पर हमने ये इमेज यूज़ करनी है ना बेसिकली, उसका जो पोस्ट का टाइटल है, यानी जो लोग कंटेंट लिखते हैं, जो लोग अपनी वेबसाइटें बनाते हैं, जिन लोगों ने अपनी वेबसाइटों में पिक्चर्स यूज़ की हुई होती हैं या कंटेंट यूज़ किया हुआ होता है, तो जाहिर है उस कंटेंट का जो टाइटल होता है वो बेसिकली आप जो है वो इस पिक्चर का जो है वो नाम रख दें। मतलब जो कंटेंट है, यानी जो आपका कीवर्ड है जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करवाना चाह रहे हैं गूगल में, या आप अपनी चाह रहे हैं कि ये अगर कोई गूगल पे लिखे तो हमारी वेबसाइट जो है वो, हमारी पिक्चर जो है वो ये वाली आए, हमारी वेबसाइट आ जाए, या हमारी वेबसाइट गूगल में टॉप पे आ जाए, या हमारी इमेज जो है वो ये वाली इमेजेस गूगल इमेजेस में आ जाए, तो उसके लिए आप SEO फ्रेंडली टाइटल रखें, ये वाला मतलब एक बड़ा मतलब टॉपिक रखें जिसके अंदर एक मरतबा आप अपना कीवर्ड यूज़ कर लें। इमेज के जो नाम हैं वो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही क्या कहते हैं रेलिवेंसी के साथ आपने मतलब जो है वो रखने होते हैं, बिकॉज SEO ऑप्टिमाइजेशन में इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमने इमेज के जो नाम होते हैं उसमें एक मरतबा अपना कीवर्ड, लेकिन ये नहीं है कि कीवर्ड स्टफिंग आप कर दें कि इतना बड़ा नाम रख दें कि वो समझ ही ना आए। एक एक्यूरेट नेम हो, एक्यूरेट परफेक्ट नेम हो जिसमें एक मरतबा आपका कीवर्ड को यूज़ हो जाए और आपके पोस्ट के टाइटल से रिलेटेड बेसिकली वो इमेज हो, ठीक है। यहाँ से हमने इसे सेव कर दिया। क्वालिटी की बात कर लेते हैं। क्वालिटी हमेशा आपने रखनी है यहाँ पर 12 मैक्सिमम, और फॉर्मेट ऑप्शंस जो है हमारे पास वो बेसलाइन स्टैंडर्ड ही होना चाहिए, ठीक है। आप देख रहे हैं राइट साइड पे आपके पास ये इमेज जो है 1.5 MB की है, बट इसे हम कम भी कर सकते हैं और मैं आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन का भी बता दूंगा। यहाँ से आप इसकी क्वालिटी नॉर्मल भी रख सकते हैं, लेकिन ये देख लीजिएगा कि क्वालिटी कम रखने के बाद आपकी इमेज का जो व्यू है वो ख़राब तो नहीं हो रहा, वो पिक्सलेट तो नहीं हो रहा, ये ज़रूर देख लीजिएगा। बिकॉज समटाइम्स ये होता है कि आप जब इमेज कोई लो रेजोल्यूशन इमेज उठाते हैं और उसे आपने लो साइज़ पे सेव कर देना होता है तो वो अक्सर प्रॉब्लम कर जाती है। अब हम ये जो है वो बात कर लेते हैं इमेजेस की जो हमने सेव की हैं। लाइक ये देखें आपके सामने ये दो इमेजेस हमने जो है वो की हुई हैं, ऑप्टिमाइज की है, मतलब रिसाइज की है, मॉडिफिकेशन की है इनकी। अब हम इसे जो है वो अपने सामने रख लेते हैं, ओपन करके देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज ऑल इमेजेस, कि हमने क्या इमेज गूगल से डाउनलोड की थी और हमने क्या उसके अंदर मॉडिफिकेशन परफॉर्म की है, या क्या चेंजेस जो है वो उसके अंदर हमने परफॉर्म की है, ठीक है, ये देख लेते हैं। इसके अलावा ये हम जो है वो देखें आपके सामने, ये जो है वो इमेजेस आपके सामने जो है वो आ रही हैं। हमने ये जो है वो टोटल मॉडिफिकेशन की है कि इमेज हमने गूगल से उठाई थी वो ये थी, और जो हमने बेसिकली बनाई, दो ऑप्शंस जो हमने बनाए वो ये बनाए,
आप इसे अच्छी तरह मतलब जो है वो एक मरतबा देख लें कौन सा इमेज ज़्यादा बेटर है, वो डिपेंड करता है टोटली आप पर, डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा इमेज जो है वो। अभी आपको मेरी वीडियो स्क्रीन पे कुछ जो है वो इमेजेस में जो हमने एडिट की हैं उसमें थोड़े से पिक्सलेट नज़र आ रही होंगी पिक्चर्स, बट ये नहीं होंगी जब आप अपनी, क्योंकि हमने इस पर इफ़ेक्ट अप्लाई किए हुए हैं और वीडियो रिकॉर्डेड जो होती हैं उसमें इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर नज़र नहीं आते। तो आप जो है वो जब अपने कंप्यूटर पे करेंगे, अपने सिस्टम पे करेंगे, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आती भी है तो मैंने आपको बताया है इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, जहां आपको लगे कि आपकी पिक्चर की क्वालिटी ब्रेक हो रही है, पिक्सलेट हो रही है, आप उसे वहीं रोक दें। आप उसके ऊपर जो आपने प्रॉपर्टी अप्लाई की है, जो अपने इफ़ेक्ट अप्लाई किए हैं वो उसे वहीं छोड़ दें, आप उसे ना अप्लाई करें, ठीक है। ये दो ऑप्शन हमने बनाए हैं। आप सिर्फ रिसाइजिंग परफॉर्म कर लें अगर आपको लगता है कि आप इफ़ेक्ट में बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो पावर नहीं रखते, या इफ़ेक्ट आप अप्लाई करेंगे तो आपकी इमेज की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, तो आप सिर्फ रिसाइजिंग कर लें और बॉर्डर लगा लें ब्लैक कलर का, ताकि आपकी इमेज जो है वो गूगल से उठाई हुई इमेज से थोड़ी सी डिफरेंट लगे और आपको किसी भी किस्म के कॉपीराइट का इशू जो है वो गूगल की तरफ से ना आए, ठीक है। ये हमने जो है वो एक वो किया था, ये बेसिकली फोटोशॉप बेसिक्स का एक छोटा सा ओवरव्यू था। और मेक श्योर के आप ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो या वीडियो में आपको कुछ चीज़ समझ में आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और हम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अबाउट दिस वीडियो, रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको किस हद तक पसंद आई है, नहीं आई तो क्यों नहीं आई, इसमें कोई चीज़ मिसिंग है, किसी चीज़ को आपको लगता है कि आप मतलब जो है वो कोई चीज़ रह गई है इसके अंदर, या किसी और तरीके से भी मतलब आप ये चाह रहे हैं कि एडिटिंग हो, या कोई और वे हो एडिटिंग का, या कोई और रिसाइजिंग का वे हो, या कोई और ऑप्शन हो, वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा जो मतलब जो है वो एडिटिंग के टूल्स हैं और फोटोशॉप के बेसिक टूल्स हैं, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में हम उसके बारे में बात कर लेंगे। इसके अलावा मैं आपको बेसिकली ये वीडियो मैंने स्पेशल SEO और वेब ग्राफिक्स वालों के लिए, वेब ग्राफिक्स के तौर पे बनाई थी कि जो वेबसाइट वगैरह यूज़ करते हैं उनमें अपनी इमेजेस यूज़ करते हैं उनके लिए बेसिकली बनाया था, तो वो बेसिकली हमने उसको कवर अप करना है। ऑनलाइन टूल्स टू एडिट अ पिक्चर, फ़ोटोशॉप के अलावा जो ऑनलाइन टूल्स हैं उसकी हम बात कर लेंगे। इसके अलावा गूगल इमेजेस के अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट्स जहां पर फ्री स्टॉक इमेजेस आपको मिल जाती हैं, जहां पर आपको वेक्टर्स मिल जाते हैं, जहां पर आपको बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं, जहां पर आपको वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, जिन पर कॉपीराइट का इशू नहीं आता, जिनकी आपने मॉडिफिकेशन करने की ख़ास ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे पास के मतलब हाईलाइट ये भी है कि हम अपनी इमेज को किस तरह से रोटेट कर सकते हैं, ये भी एक मतलब जो है ना हमारे पास वो होता है। ये देखें, ये भी मैंने आपको इसी में बता दिया, यही ये भी हमने इसमें कवर कर लिया, यानी हमारी इमेज जो है वो जो जिस तरह से थी हमारी इमेज उसको हमने क्या किया कि हमने सिर्फ छोटी सी एडिटिंग मतलब लाइक जो लोग इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहते या जिनके पास बहुत ज़्यादा बल्क में मतलब जो है ना इमेजेस हैं, बहुत ज़्यादा बल्क में इमेजेस हैं, ज़ाहिर है जिनकी वेबसाइटें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं उनके पास मिलियंस ऑफ इमेजेस होती हैं, अब हर इमेज को तो वो क्रॉप नहीं ना करेंगे या हर इमेज पे इफेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, तो उसका भी आसान हल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसका भी एक आसान हल है, वो नेक्स्ट सेकंड या थर्ड पार्ट में हम उसे कवर कर लेंगे कि जिनके पास बल्क इमेजेस हैं वो किस तरह से अपनी एडिटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से मतलब अपना जो है वो कर सकते हैं, लाइक इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, इस टूल को मतलब इमेज को रिसाइजिंग और इमेज की मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं इन फोटोशॉप। तो आसान हल ये है कि आपको कोई इमेज पे इफेक्ट अप्लाई करना है, थोड़ा सा इफेक्ट अप्लाई किया, कोई बॉर्डर्स वगैरह सेट किए, फिर इसके बाद ट्रांसफॉर्म टूल से आपने कंट्रोल टी प्लस किया अपनी इमेज पे, ट्रांसफॉर्म टूल से आपने इसे जो है वो फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया, ये देखिए राइट क्लिक किया आपने, फ्लिप हॉरिजॉन्टल इसको कर दिया, आपकी इमेज मिरर हो जाएगी। अब कभी भी मतलब ये रिसाइजिंग के बाद आपने जब अगर ये रोटेट कर दिया तो कभी भी ये किसी को भी नहीं पता चलना कि आपने किस वेबसाइट की इमेज जो है वो यूज़ की। आप इसे इजीली रोटेट करके थोड़ा सा रिसाइजिंग परफॉर्म करें और थोड़े से इफेक्ट अप्लाई करें, ये भी एक आसान जो है वो तरीका है जिसके ज़रिए हम जो है वो कर सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्म टूल के ज़रिए आप अपनी इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लें, जो कि बेड प्रैक्टिस है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि पिक्चर बड़ी से छोटी कर लें, छोटी से बड़ी ना करें। कुछ लोग जो है हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर मतलब मैं काम करना चाहते हैं, ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, मतलब वो एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट इमेजेस। तो हमारे पास जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइटें हैं लाइक अमेज़ॉन है, वेफेयर है, वॉलमार्ट है, जो एफिलिएट मार्केटिंग भी अपनी प्रोवाइड करती हैं और जिनके पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो
जिन लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बनाना होता है, ज़ाहिर है ये इमेज अगर आप एक्यूर एज इट इज़ जो अमेज़ॉन पर डली हुई हैं प्रोडक्ट्स के अंदर या किसी भी वेबसाइट पर डली हुई हैं, ये भी गूगल की नज़र में तो हैं। वैसे तो गूगल पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिन भी वेबसाइट में हमने राइट क्लिक किया, सेव इमेजेस किया और हमारे पास इमेज सेव होगी, बट इन वेबसाइट्स की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इनमें आप इमेज सेव नहीं कर सकते इजीली। तो मैं आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द इजीएस्ट वे टू डाउनलोड इमेजेस फ्रॉम दीज टाइप ऑफ वेबसाइट्स। कुछ ऑनलाइन टूल्स के बारे में बात कर लेंगे, कुछ और रिसाइजिंग के बारे में बात कर लेंगे, कुछ फोटोशॉप के बेसिक टूल्स के बारे में बात कर लेंगे, और जो फोटोशॉप के टूल्स हैं, पेन टूल है, एक्यूरेट क्रॉपिंग का कौन सा टूल है या कोई और, इसके अलावा जो आपके रिव्यूज़ हैं, लाइक जो आपने कमेंट करके हमें बताने हैं, जो मैंने मुझे आपने बताने हैं कि ये चीज़ आप कवर करें अपने एपिसोड में, ये चीज़ आप होनी चाहिए, पिक्चर एडिटिंग से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ जो मैं कवर ना कर पाया हूँ वो आप मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में, वीडियो कैसी लगी, वीडियो में क्या होना चाहिए वो बता दें, कोई बात बुरी लगी हो वो बता दें, एंड जो है वो रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा कुछ इमेजेस जो होती हैं वो आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए होती है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, उसके लिए भी मैं आपको एक दो तीन वेबसाइट्स या टूल्स बता दूंगा जिसके ज़रिए आप जो है वो फोटोशॉप के ज़रिए भी आप अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। एंड आप कोई ऐसी टूल मैं आपको बता दूंगा, ऑनलाइन टूल्स जहां से आप विदाउट मतलब पीएनजी इमेजेस, ट्रांसपेरेंट विदाउट बैकग्राउंड इमेजेस, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, वो इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हैं फोटो एडिटिंग के लिए, दिस इज़ बेस्ट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।